अगर आपका पोस्ट ऑफिस में एक सेविंग अकाउंट है तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि आपको आपके पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट पर अब एटीएम कम डेबिट कार्ड मिल सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से एटीएम कम डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या इसकी चार्जेस हैं, और इसके अलावा मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हैं और आपको जो वेलकम किट मिलेगी इसके अंदर आपको कौन कौन से कंटेंट मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये नहीं पता है कि पोस्ट ऑफिस के अंदर सेविंग अकाउंट खुलवाने के क्या क्या बेनिफिट है, तो इसके बारे में मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और उसका लिंक आपको इस वीडियो के आई बटन में भी मिल जाएगा। तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, आपको पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट के बारे में बेनिफिट जो है वो पता चल जाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको वेलकम किट के अंदर क्या क्या कंटेंट मिलते हैं, आपको जो एटीएम कम डेबिट कार्ड मिलता है उसका क्या क्या बेनिफिट है, क्या आप इस एटीएम कम डेबिट कार्ड को सभी बैंकों के एटीएम के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके चार्जेस के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वेलकम किट को ओपन कर लेते हैं और जान लेते हैं कि इसके अंदर आपको कौन कौन से कंटेंट दिए गए हैं, क्या क्या इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, किस तरीके से आपने इस एटीएम कम डेबिट कार्ड को इस्तेमाल करना है, और इस वेलकम किट के अंदर आपको इस एटीएम कम डेबिट कार्ड के जितने भी चार्जेस हैं वो भी सारे के सारे आपको बताए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको ओपन कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर वेलकम किट को ओपन कर लिया है, आप देख सकते हैं हमें इतने सारे कंटेंट मिलते हैं। तो चलिए एक एक करके इन सबको देख लेते हैं कि इनके अंदर क्या क्या इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। तो सबसे पहले आपको एक वेलकम लेटर मिलता है, इसके अंदर जो कुछ एक बेसिक डिटेल दी गई है कि आपने अपने जो एटीएम की पिन है उसको किसी के साथ शेयर नहीं करना है, तो ऐसे कुछ एक बातें हैं जो कि जनरल सी बातें हैं। तो सबसे पहले ऊपर हम देख लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक आपको बताया गया है कि इसकी जो डेली और पर ट्रांजैक्शन की लिमिट क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं कि इसकी जो डेली ट्रांजैक्शन लिमिट है वो है 25,000 रुपये, यानी कि आप एक दिन में 25,000 रुपये मैक्सिमम इस एटीएम कार्ड की मदद से निकलवा सकती हैं, और पर ट्रांजैक्शन की जो लिमिट है वो है 10,000 रुपये, यानी कि आप एक बार में 10,000 रुपये निकलवा सकती हैं, और पर डे की जो ट्रांजैक्शन लिमिट है वो है 25,000 रुपये। तो सबसे पहले ये तो थी एक बेसिक सी डिटेल जिसके अंदर ये आपको एक लेटर मिलता है, आप इस लेटर को पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसको हम साइड में रखते हैं और देखते हैं कि जो बाकी के जो हमें इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिले हैं उसके अंदर आपको क्या क्या बताया गया है। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको एक और बात बता दूं कि आपको ये चाहे तो आप ये पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शन मैनुअल पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मैं मेन मेन हाईलाइट है वो आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले हम एक यूज़र मैनुअल मिला है, इसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको कुछ एक फ़ोन नंबर दिए गए हैं। अगर आप पोस्ट ऑफिस का एटीएम कार्ड यूज़ करने जा रहे हैं तो आपके लिए ये नंबर बहुत ज़रूरी है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं आपको एक बार बोलकर बता देता हूँ। ये है 1800268 68, या फिर आपको दूसरा नंबर है 1800425 2440। दोस्तों, अगर आपका एटीएम कार्ड कहीं खो जाए या फिर आपको ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कोई भी बात करनी है तो आप इस नंबर पर ही संपर्क करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जो सैंपल दिया गया है, आपका जो एटीएम कार्ड है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर कुछ एक इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि क्या क्या मेन बातें इस इंस्ट्रक्शन में लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ी और मेन बात करते हैं हम चार्जेस की। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के आपने अपने शहर में बहुत सारे एटीएम देखे होंगे, तो अगर आप इस एटीएम कार्ड को अपने किसी भी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के किसी भी एटीएम के अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये एटीएम कार्ड यूज करने के कोई भी चार्जेस नहीं देने हैं, यानी कि आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस एटीएम कार्ड को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें अदर बैंक एटीएम को, यहाँ पर दोस्तों आपको हम बता दें कि इस एटीएम कार्ड को आप दूसरे बैंक के एटीएम पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके कुछ एक लिमिटेशन है, जैसे कि आप एक मेट्रो सिटी में एक महीने की 3 ट्रांजैक्शन ही फ्री कर सकते हैं, और अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में रहते हैं तो आपको पर मंथ 5 ट्रांजैक्शन फ्री मिलेंगी, यानी कि अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं किसी दूसरे बैंक के एटीएम पर तो आपकी कुछ लिमिटेशन है, लेकिन अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के किसी भी एटीएम पर ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो आपको कोई भी चार्जेस उसमें नहीं लगी हैं। अगर आप अदर बैंक की जो लिमिट है उसको क्रॉस करते हैं, लिमिट यानी कि अदर बैंक की जो मेट्रो सिटी है उसके ऊपर, जो मेट्रो सिटी में अगर 3 ट्रांजैक्शन से ज्यादा करते हैं और नॉन मेट्रो के अंदर आप अगर 5 ट्रांजैक्शन से ज्यादा करते हैं तो आपको पर ट्रांजैक्शन 20 रुपीज
प्लस जीएसटी का जो चार्जेस है वो देने पड़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर बता दें कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से इस एटीएम के जो एनुअल चार्जेस है वो बिल्कुल ही जीरो है, यानी कि आपको कोई भी एनुअल चार्जेस एनुअल फीस नहीं देनी है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट कंटेंट की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस कार्ड के अंदर हमें अपनी जो एटीएम की पिन मिलेगी और ये जो है हमारा जो एटीएम कार्ड। तो एटीएम कार्ड जो है इस तरह के आपको पाउच में मिलेगा। तो इस एटीएम की जो सबसे खास बात यह है कि इसके अंदर एक चिप भी है और यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप अपना पर्सनलाइज्ड कार्ड भी बनवा सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको पोस्ट ऑफिस के अंदर जाकर अपना एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं कि आपने इस एटीएम कार्ड को अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों अगर आपका पोस्ट ऑफिस के अंदर एक सेविंग अकाउंट है तो आप पोस्ट ऑफिस में जाइए, आपको वहां पर एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। उसके अंदर आपका अकाउंट नंबर आएगा, किफ आईडी आएगी और आपकी जो पर्सनल डिटेल कुछ एक आपका नाम और मोबाइल नंबर वगैरह आपसे लिया जाएगा। उस डिटेल को फिल करने के बाद तुरंत बाद ही आपको एक वेलकम किट, इस तरह की वेलकम किट दे दी जाएगी। इस वेलकम किट के अंदर आपको ये सारा सामान मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप एक पर्सनलाइज कार्ड लेना चाहते हैं, यानी कि एक ऐसा कार्ड जिसके ऊपर आपका नाम लिखा हो, तो आप उसके लिए भी एक अलग से फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपको आपके एड्रेस के ऊपर आपका एक पर्सनलाइज्ड कार्ड डिलीवर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको मैं बता दूं कि इस कार्ड को लेने के बाद 24 घंटे के बाद ये एक्टिवेट हो जाता है और आप इसको किसी भी बैंक के एटीएम के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है, आपको भी ये फैसिलिटी लेनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एटीएम कार्ड दिखा भी देता हूँ, आपको इस तरीके का एक एटीएम कार्ड मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस एटीएम कार्ड के अंदर एक चिप भी लगी हुई है। इसकी जो दूसरी साइड है वो भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर ये दोस्तों आपको व्हाइट पट्टी मिल रही है, इसके ऊपर आपने अपने सिग्नेचर जरूर कर लेने, क्योंकि ये जो वेलकम किट मिल रही है इसके ऊपर आपका नाम नहीं लिखा होगा। आपके कार्ड की एक अलग पहचान के लिए ये अच्छी बात है कि आपको यहाँ पर सिग्नेचर करने के लिए एक प्लेस दी गई है, तो आप यहाँ पर सिग्नेचर जरूर करिए और आप चाहें तो अपना पर्सनलाइज कार्ड भी बनवा सकते हैं। तो अब दोस्तों हम पोस्ट ऑफिस के एटीएम कम डेबिट कार्ड की जो मेन बेनिफिट है उसको हम जान लेते हैं। तो दोस्तों अगर आपका पहले से ही एक सेविंग अकाउंट है पोस्ट ऑफिस के अंदर, तो आप जानते होंगे कि आपको अगर पैसे जमा करवाने होते थे या फिर पैसे निकलवाने होते थे तो आपको पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ता था एक लाइन में लगने के बाद। उसके बाद आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ता था जिसके बाद आप पैसे निकलवा सकते थे। लेकिन अब आप अपने पुराने सेविंग अकाउंट के ऊपर भी अपना जो एटीएम कार्ड है वो अप्लाई कर सकते हैं और आप किसी भी बैंक के एटीएम से वो अपने जो पैसे हैं वो निकलवा सकती है। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस के भी सभी शहर में सभी सिटीज़ के अंदर बहुत सारे एटीएम खुल गए हैं, तो आप वहाँ से भी पैसे निकलवा सकती हैं। तो इसका जो सेकंड जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि इसके ऊपर आपको कोई भी एनुअल चार्जेस नहीं देने हैं और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इसको आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने अपना बहुत सारा पैसा जो है पोस्ट ऑफिस के अंदर इन्वेस्ट किया होगा, जैसे कि पोस्ट ऑफिस की बहुत सारी अच्छी अच्छी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं, जैसे कि आपको एक पोस्ट ऑफिस की आरडी मिल जाएगी, मंथली इनकम स्कीम मिल जाएगी, आपको टीडी मिल जाएगी। तो अगर आपका जो मंथली इनकम का जो इंटरेस्ट है और बाकी के जो इन्वेस्टमेंट स्कीम है उनका इंटरेस्ट है, आप मंथली आपके जो सेविंग अकाउंट में आता था और आपको जो वो पैसा निकलवाने के लिए पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता था, वो आपको अब पोस्ट ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। तो अभी से आप जाइए, आप अपना जो एक एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एक सिंपल सा फॉर्म है उसको आप फिल कर दीजिए, आपको इंस्टेंटली उसी वक्त आपको जो आपका एटीएम कार्ड है वो मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों पोस्ट ऑफिस को जो सेविंग स्कीम है उसके बारे में मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं। आप उन्हीं सभी वीडियोस को भी जरूर देखिएगा और इन सभी स्कीम्स के बारे में जानकारी लीजिएगा। तो दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है पोस्ट ऑफिस के द्वारा, आपको ये फैसिलिटी को जरूर एंजॉय करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए स्किल टीचर। नमस्कार।